अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी रोस्टेड चिवड़ा नमकीन, जो कि बहुत ही लाइट नमकीन होती है, या आप इसे चाय के साथ या कभी भी हल्की फुल्की भूख में खा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख ली है, यहाँ पे मैंने 3 कप पोहे ले लिए हैं, करीबन 250 ग्राम के करीब है। तो सबसे पहले हम इसको ड्राई रोस्ट करेंगे और इसको हमें हल्की आंच पे ही ड्राई रोस्ट करने, अच्छे क्रिस्पी होने तक, और इस तरीके से लगातार चलाते भी रहेंगे। इस प्रोसेस में 4 से 5 मिनट लग जाएंगे। देखिए 5 से 6 मिनट हो गए इसको हमें लो फ्लेम पर भूनते हुए। इसका हल्का सा कलर भी चेंज हो गया है, अच्छा क्रिस्पी भी हो गया है। तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे और इसी कढ़ाई में हम अपनी नमकीन तैयार करेंगे। चिवड़े को हमने बाहर निकाल लिया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1/2 कप तेल डाल लिया है। यहाँ पे मैंने 1 कप मूंगफली के दाने लिए, ये कच्चे मूंगफली के दाने हैं, तो इसको हम डाल देंगे और इसको भी हम हल्का हल्का टटकने तक भून लेंगे और हल्का सा इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। तब तक हम इसको भून लेंगे। मूंगफली के दाने भी हमारे अच्छी तरीके से भून चुके हैं, इसका हल्का सा कलर भी चेंज हो गया है और इसके जो छिलके हैं वो फटने भी लग गए हैं, तो इसको भी हम बाहर निकाल लेंगे। तेल हमारा थोड़ा सा बचा हुआ है, तो हमने यहाँ पे 1 हरी मिर्च ली है, बारीक काट ली है बिल्कुल, इसको डाल देंगे। आप अपने पसंद से हरी मिर्चें बढ़ा सकते हैं अगर ज़्यादा पसंद करते हैं तो। और यहाँ पे हम गैस की फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे, तो थोड़े से मैंने 20 से 25 करी मिर्च लिए हैं वो डाल देंगे, और 1/2 इंच के करीब हम डाल देंगे इसमें हींग। इसको थोड़ा सा हम भून जाने देंगे। 1 इंच मैंने इसमें हींग का डाल दिया है। करी मिर्च भी हमारे हल्के से भून चुके हैं, तो इसमें हमने यहाँ पे 6 से 7 काजू लिए थे, इनको मैंने 2 टुकड़ों में कर लिया है, ये भी डाल देंगे और इसको भी भून लेंगे। और गैस की फ्लेम लो रखेंगे, काजुओं पे हल्का सा हम कलर आ जाने देंगे। आप चाहें तो इसमें किशमिश भी डाल सकते हैं या अपने पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। यहाँ पे हमने 50 ग्राम के करीब सूखा नारियल लिया है, इसको मैंने लंबाई में कट कर लिया है, ये भी इसी में डाल देंगे और इसको भी हम साफ के साथ भून लेंगे हल्का सा कलर आने तक। और हमें लो फ्लेम पर ही इसको करना है, बहुत ज़्यादा इनका हमें कलर नहीं चेंज करना, बस हल्के से क्रिस्पी हो जाए, बस इतना हमें इनको भूनना है। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नई वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक ज़रूर करें। काजू नारियल भी हमारे क्रिस्पी हो गए हैं, आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो यहाँ पे हमने 1/2 टीस्पून से भी थोड़ा सा कम मैंने हल्दी पाउडर लिया है, वो ऐड कर देंगे ताकि हमारे जो चिवड़ा है उसमें हल्का सा कलर आ जाए। इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। ये सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं और पक भी चुकी हैं, फ्राई भी हो चुकी हैं, तो इसमें हमने जो पोहा रोस्ट किया था वो डाल देंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस का फ्लेम हम बिल्कुल स्लो रखेंगे। हमने जो मूंगफली के दाने फ्राई किए थे वो भी डाल देंगे और हल्के हल्के हाथों से इनको हमें मिक्स करना है, क्योंकि पोहे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं भुनने के बाद तो वो टूट जाएंगे, तो इन्हें हमें हल्के हाथों से ही मिक्स करना है। ये मैंने पतले वाले पोहे लिए हैं, क्योंकि ये नमकीन जो है पतले वाले पोहे की अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा मोटे पोहे ना लें। इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे लिया है मैंने 1/2 टेबल स्पून के करीब पिसी हुई चीनी, आप अपने पसंद के हिसाब से मीठा डाल सकते हैं, वो डाल देंगे। और इसमें हम डाल देंगे 1/2 टीस्पून के करीब नमक, क्योंकि मीठी नमकीन होती है अच्छी लगती है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे सभी चीज़ों को। मैंने यहाँ पे 1/2 टेबल स्पून ली थी पिसी हुई चीनी, तो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 कप मैंने मूंगफली के दाने लिए थे, वो भी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो गैस की फ्लेम हम बंद कर देंगे और हमारी चिवड़ा नमकीन बनकर बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं कितनी मज़ेदार से हमारी नमकीन बनकर तैयार हुई है। आप इसको बनाकर ठंडा कर लें, उसके बाद में आप उसको एयर टाइट कंटेनर में भर के रख सकते हैं, महीने भर तक इसको आराम से खा सकते हैं।
तो ये रेसिपी भी हमारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज हमारी रेसिपी को लाइक, और हमारे चैनल को पहली मर्तबा देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स में, और आप अपने कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि हमारी रेसिपीज आपको कैसी लगती हैं। फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।